हकीम साहब, आप तमाम तरीके के गोंद का जिक्र जब प्रोग्राम में करते हैं तो कुछ दर्शक तो बखूबी इसके बारे में जानते हैं कि गोंद होता क्या है, लेकिन कई लोगों के मन में ये सवाल है कि जो आप तमाम तरीके के गोंद बताते हैं, एक तो गोंद होता क्या है और ये बनता कैसे है? मतलब उनके मन में ये सवाल रह ही जाता है कि ऐसी क्या चीज़ है, ये गोंद सिया हो गया, चिलगोजा गोंद हो गया, जानना चाहूँगी। गोंद से तो सारी दुनिया वाकिफ है, जी लेकिन वो बस इतना जानती है कि कीकर का गोंद होता है और वो अक्सर लोग कीकर जगह जगह खड़ा भी रहता है जी और उससे निकलता हुआ भी देखते हैं, उसको उसका यूज़ भी देखते हैं। लेकिन ये कीकर का गोंद तो ज़्यादातर महिलाओं के जो डिलीवरी होती है उसके बाद एक चीज़ बनती है गोंद मखाने, उसमें इस्तेमाल होता है, तो महिलाएं तो इसको सभी जानती हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही जानते हैं कि गोंद जो है वो हींग भी एक गोंद है। हींग जो हम खाने में डालते हैं अक्सर, ये भी एक गोंद है। और सबसे ज़्यादा जो पेड़ होते हैं वो गोंद के होते हैं। पेड़ सिर्फ दो किस्म के होते हैं, या तो दूध वाले या गोंद वाले। ये बड़ का पेड़ हम देखते हैं गुल, तो उसको ऐसे तोड़ते हैं पत्ता, तो उसमें से दूध निकलता है, ऐसे ही गोंद वाले पेड़ होते हैं। तो गोंद वाले ज़्यादा होते हैं, दुनिया में जितने भी पेड़ पौधे हैं वो गोंद वाले हैं या दूध वाले हैं, लेकिन आम आदमी का वास्ता इससे पड़ता नहीं है, जबकि बहुत बहुत महंगे और अच्छे गोंद होते हैं। जैसे गोंद से मैंने बताया तो लोग इसको जानते भी नहीं थे, मैंने इस पर पूरा रिसर्च की और पाया कि ये दुनिया का एक ऐसा गोंद है जो जोड़ों के दर्द में बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। तो फिर मिलता तो था ये, लेकिन लोग इससे इसके फ़ायदों से वाकिफ़ नहीं थे। फिर ये बताया, फिर मैंने गोंद मोरिंगा सफ़ेद बताया, और उसके बाद मैंने जामुन का गोंद से भी तारुफ कराया, परिचय कराया, और चिलगोजे की गोंद से भी। अभी तो बहुत गोंद आते हैं, उनके फ़ायदे जब खुलकर सामने आ जाते हैं तो मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। तो ये एक लिक्विड है जो पेड़ से निकलता है। गोंद तो आम का भी होता है, और आम के पेड़ से भी कुछ गोंद निकलता है लाल लाल किस्म का, और बहुत सारे गोंद होते हैं, लेकिन उनके फ़ायदे जो आवाम के लिए, प्रजा के लिए होते हैं, तो जब वो जाहिर हो जाते हैं तब उन तक ये बात पहुंचाई जाती है, वरना गोंद जामुन में कहता हूँ तो कोई जानता भी नहीं, पहचानता भी नहीं, फिर वो उसे इस्तेमाल करते हैं, फ़ायदे देखते हैं, तो फिर वो असल बात जब लोग फ़ायदा होता है और लोग लोगों से कहने लगे जिस चीज़ के बारे में, तो वो चीज़ जो है वो चर्चित हो जाती है, परिचित हो जाते हैं लोग, फिर उसका फ़ायदा उठाते हैं। स्वागत है आपका हेलो। निशा जी, स्वागत है। हाँ, मेरी ना मुझे आपसे रोग के संबंध में कुछ जानकारी प्राप्त करनी थी। जी जी पूछिए। मेरी दादी का बाया साइड ना बहुत ज्यादा दर्द रहता है, 6 महीने हो गया, बहुत जगह से दवाई भी लिए हैं पर कोई असर नहीं कर रहा। टांग की साइड पैरों में तकलीफ है, पैरों से पूरा कंधे तक, सिर तक, ठीक पूरा है बाया बच्चे। साइड। अच्छा देखिए, जो दादी की आपकी उम्र रही होगी तो 65 से 70 साल, और यहाँ अब ये होने लगा कि 40-45 के बाद किसी को भी ये दर्द शुरू हो जाता है, और किसी के पूरे हिस्से पर, आधे हिस्से पर, एक टांग में, किसी के पूरे कंधे से लेकर पैरों तक, तो इसको नसों का दर्द माना जा सकता है, नर्व का। तो दादी से कहें कि आराम किया करें, ज़्यादा काम ना करें, और वेस्टर्न टॉयलेट उनके लिए ज़रूरी चाहिए। ये कुर्सी वाला जो शौचालय होता है ये उनके लिए दवा से भी कीमती है, अगर नहीं है तो ज़रूर लगवा कर दें। और एक आता है काला गोंद, काला गोंद भी कहते हैं और गोंद स्याह भी कहते हैं, ये असली ख़रीद लें अपनी दादी के लिए, और इस ये एक रॉ मटेरियल है,
और नकली बहुत मिलता है, याद रखें। और इसको फिर तोड़ लें, ये रॉ मटेरियल है, पाउडर बना लें और आधा ग्राम या तो हनी में मिला के, शहद में मिला के नाश्ते के बाद इन्हें खिला दिया करें, पानी से या दूध से आधा ग्राम बस, और रात को सोते समय खाने के बाद भी ऐसा किया करें। शहद में मिलाकर, मलाई में मिलाकर, जैसे भी वो खा सकें, कड़वा बहुत होता है और असली लेना ज़रूरी है, तभी उनको फ़ायदा मुमकिन है जी।